हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अलाइसब्लू। मैं हूं टीपेन गोगोई और आज हम देखेंगे क्रूड ऑयल कहां पे एंटी कर सकता है। तो देख सकते हैं, ये क्रूड ऑयल मैंने 30 मिनट का चार्ट लिया, तो यहां से देख सकते हैं जिसे ये दोनों हायर पॉइंट कनेक्ट करके हमने जो प्रीवियस हायर पॉइंट को निकाल लिया, तो यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, तो उसका लोअर पॉइंट क्या है। तो उसके लिए हमें थोड़ा प्रीवियस लोअर पॉइंट को कनेक्ट किया, जैसे ये है राइट सपोर्टिंग लेवल। तो हम देख सकते हैं यहाँ से हमें एक लोअर पॉइंट मिला, तो मुझे लगता है यहाँ से मार्केट फिर से एक करेक्शन दे सकता है यहाँ पे राइट। तो अगर आपको एंटी करना है तो आप कहाँ पे एंटी करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे हमें एक रेंज निकाल लिया, आप देख सकते हैं ये रेंज में है राइट। तो यहाँ से हमें अगर मिला तो हम एंटी कहाँ करेंगे, तो अगर यहाँ पे हमें मिला तो एक बाउंस हो रहा है, तो एंटी करेंगे। एंटी करने के लिए हम क्या करेंगे, मूविंग ओवर एवरेज क्रॉस ओवर लेंगे। जैसे 15 मिनट में आप देख सकते हैं ये जो मूविंग एवरेज है इसको क्रॉस ओवर करेंगे तो हम बाय में एंटी करेंगे। जैसे ये रेड और ब्लू 5 और 20 ये दोनों क्रॉस करेंगे तो हम क्रॉस बाय में जाएंगे। अगर ये 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया तो हम इसके फिर से सेल में जा सकता है राइट। तो आप एंटी करने से पहले आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक सपोर्टिंग लाइन अभी रेजिस्टेंस लाइन मिला हुआ है, तो इस अगर इसका ऊपर प्राइस क्लोज हो गया तो हम यहाँ पे बाय में जा सकते हैं राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।